Hello everyone. So today in this lecture we are going to discuss last application of dimensional analysis. Application number 3. In the previous lecture we have discussed second application, and on the basis of that application we have also discussed so many examples. Then let us start with the third application. Application number 1 एंड एप्लीकेशन नंबर 2 जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जितने भी एप्लीकेशन हमने डिस्कस की, जिसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस किए. फर्स्ट एप्लीकेशन जो डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस पे डायमेंशनल एनालिसिस जो हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स के अंदर इंटर कन्वर्जन, ये एक चीज हमने स्टडी की थी. सेकेंड एप्लीकेशन के अंदर किसी भी फिजिकल इक्वेशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट रिलेशंस कैसे हम डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करेंगे, एलएचएस आरएचएस को हम डायमेंशनली इक्वेट करेंगे, उसके बाद उसके बेसिस पे हम इसको इस फिजिकल इक्वेशन को करेक्ट होगा ये हम बता सकते हैं. तो इसी फिजिकल रिलेशन को अगर हमें प्रूव करना होगा या फिर नया फिजिकल रिलेशन हमें यहां से रिड्यूस करना होगा, तब ये हम थर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे. सेम डायमेंशनल एनालिसिस, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, बट अगर हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी पता होगी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, तब हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, और उसी रिलेशन से हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के इंटर रिलेशन के लिए मैथमेटिकल फॉर्मेशन मिलेगा. सो थर्ड एप्लीकेशन के अंदर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का इंटर रिलेशन कैलकुलेट करेंगे किसी और फिजिकल क्वांटिटी के साथ, और उसके ऊपर कितनी डिपेंडेंसी होगी उसके डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, और उसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम उसका फॉर्मेशन, मैथमेटिकल फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे. सो थर्ड एप्लीकेशन रिड्यूसिंग रिलेशन अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बाय मेकिंग यूज ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, वी कैन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इफ वी नो वेरियस फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स. अगर हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की अदर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंसी पता होगी, तब हम इस एप्लीकेशन का यूज करके उसके लिए सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ये चीज और भी क्लियर होगी. फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू derive an expression for centripetal force F. Centripetal force F के लिए हमें expression derive करना है, but हमें एक चीज पता है कि centripetal force के लिए जो dependency होगी, ये dependency हमें अगर पता होगी तो हम उस डिपेंडेंसी की वजह से किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसका रिलेशन कैलकुलेट करेंगे. सो वी वांट टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एफ फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास एम रिवॉल्विंग on a circular path, revolving on a circular path of radius r with velocity v. मतलब हमें फोर्स के लिए ये रिलेशन पता होगा कि किसी भी पार्टिकल का अगर मास m होगा, यही पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा जिस सर्कुलर पाथ की रेडियस r होगी और उस पार्टिकल की वेलोसिटी v होगी, तब हम उस पार्टिकल के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखेंगे, लेट f प्रोपोर्शनल टू, f की डिपेंडेंसी किसके साथ होगी, उस पार्टिकल के मास के साथ, उस पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ, उस पार्टिकल के
जो ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा उसकी रेडियस के साथ, मतलब आर। हमने सपोज कर लिया यहाँ पे कि मास का डायमेंशन होगा ए, वी का डायमेंशन होगा बी एंड आर का डायमेंशन होगा सी। ये डिपेंडेंसी हमें यहाँ से इस फॉर्मेट से पता चलेगी। ये अपना पूरा क्वेश्चन होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी डिपेंडेंसी होगी मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो ये डिपेंडेंसी, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के कितने डायमेंशन के साथ, मतलब मास का डायमेंशन ए हमने सपोज किया, वेलोसिटी का बी एंड रेडियस का डायमेंशन सी सिलेक्ट किया। अब ये डायमेंशन हमें ए बी एंड सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसी के बेस पे हम पूरा मैथमेटिकल उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये पूरा रिलेशन हमें मिलेगा फोर्स का इस तीनों क्वांटिटी के साथ। सो इसी के बेस पे हम इसको लिखेंगे एफ प्रोपोर्शनल टू एम रेस टू ए, वी रेस टू बी एंड आर रेस टू सी। देयरफॉर एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रखा हमने एम रेस टू ए, वी रेस टू बी एंड आर रेस टू सी। ये हमारा फाइनल रिलेशन। अब इसी रिलेशन का हम यूज करेंगे। अब यहां तक हमने मैथमेटिकल फॉर्मेशन देख लिया, अब इसके बाद हम डायमेंशनल एनालिसिस यहां से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम रियल यूज ऑफ यहां से डायमेंशन का स्टार्ट करेंगे। सो डायमेंशन एनालिसिस यूज करने के लिए हम इसी मैथमेटिकल रिलेशन का LHS RHS 1/1 सॉल्व करेंगे और उसी के डायमेंशन को हम मैच करेंगे। सो इसके बाद के स्टेप के अंदर हमें पूरा मैथमेटिकल रिलेशन मिलेगा। तो सबसे पहले आप इतनी चीज यहाँ से कॉपी करो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे LHS एंड RHS। सो नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप। अब ये हमारा मैथमेटिकल टर्म f इज इक्वल टू के इंटू एम रेस टू ए, वी रेस टू बी एंड आर रेस टू सी। अब यहां से k को हम डिफाइन करेंगे वेयर k इज इक्वल टू डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। k की वैल्यू हमने यहां से डिफाइन कर ली, k डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे LHS। तो इसके बाद का जो स्टेप होगा राइटिंग डायमेंशन ऑफ अबव क्वांटिटीज। अब यहां पे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी उस क्वांटिटी के डायमेंशन को हम यहां पे लिखेंगे। सो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया LHS से, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे RHS से। सो LHS के लिए फोर्स F, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M1 L1 T माइनस टू। नाउ RHS, फोर RHS K जो डायमेंशनल S है, मतलब M0 L0 T0, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी K M रेस टू A, B रेस टू B एंड R रेस टू C। अब K के प्लेस पे हम लिखेंगे M0 L0 T0, इट मींस 1, M मींस मास, M1 रेस टू A, V मींस वेलोसिटी, L1 T माइनस 1 रेस टू B, R मींस रेडियस, इट मींस L1 रेस टू C। अब इसी को हम और सिंप्लीफाई करेंगे, पावर वन इंटू ए, इट मीन्स एम रेस टू ए इंटू ब्रैकेट एल रेस टू बी टी रेस टू माइनस बी एंड एल रेस टू सी। अब यहां से एल मतलब बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा। सो फाइनल टर्म हमारा होगा एम रेस टू ए L रेस टू B प्लस C एंड T रेस टू माइनस B। ये फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला होगा RHS का, ये फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला LHS का। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा फाइनल, अब जैसे हमने इस इक्वेशन से दोनों क्वांटिटी को कंपेयर किया है कि F की डायरेक्ट डिपेंडेंसी होगी मास के साथ, वेलोसिटी के साथ एंड रेडियस के साथ,
तो उसी हिसाब से डायमेंशनली भी उनको इक्वेट किया। अब एफ इज इक्वल टू के एम रेस टू ए, बी रेस टू बी एंड आर रेस टू सी। राइटिंग डायमेंशन, अब इनके डायमेंशन हम लिखेंगे, तो एफ के लिए डायमेंशन होगा m1 l1 t-2 विच इज इक्वल टू के प्लस के 1 और m रेस टू a, d रेस टू b एंड r रेस टू c। तो इस तीनों का कॉम्बिनेशन यहां से m रेस टू a, देन l रेस टू b प्लस c एंड t रेस टू माइनस d, ये हमारा फाइनल इक्वेशन। अब यहां से दोनों साइड बेस सेम, तो पावर को हम इक्वेट करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑफ सेम क्वांटिटी। अब सिमिलर क्वांटिटी की डायमेंशन को हम कंपेयर करेंगे। सो ये हमारा फाइनल स्टेप होगा m raised to a and m raised to 1. So a is equal to 1, l raised to b plus c, so b plus c which is equal to l raised to 1, t raised to minus b, so minus b is equal to t raised to minus 2. अब यहां से हमें एक a की वैल्यू मिली, therefore b इज इक्वल टू 2, ये b की वैल्यू भी यहीं से मिली हमें। अब हम यहां से b की वैल्यू कैलकुलेट, मतलब c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू माइनस 1। सो फाइनली वी गेट वैल्यू ऑफ a, b एंड c। इट मीन्स इन रियली, इन प्रैक्टिकली रियलिटी हमें a, b, c की वैल्यू मिली, इट मीन्स हमें मास, वेलोसिटी एंड रेडियस का डायमेंशन मिला। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू -1। सो इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 माना। तो फाइनल स्टेप हमारा ये होगा, सब्स्टिट्यूटिंग ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 में ये सारे डायमेंशन हम पुट करेंगे, तब हमें एफ मिलेगा, एफ इज इक्वल टू के एम रेस टू ए, मतलब एम रेस टू 1, देन वी, वी रेस टू बी, बी मतलब 2 एंड आर, r is to -1, so f is equal to k m v square by r। ये हमारा फाइनल टर्म। सो ये मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी फोर्स एंड मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r। तो हमने सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन देखा अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ। अगर ये रिलेशन, अगर ये डिपेंडेंसी करेक्ट होगी, मतलब इतने जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, अगर ये सारे टर्म्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो उसी के बेस पे हमें ये सबसे पहले मैथमेटिकल रिलेशन फॉर्म करना है। इसी रिलेशन के बाद ये सारे डिपेंडेंसी हमें क्वेश्चन में दी जाएगी। इसके बाद हमें इस रिलेशन को एक डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट के साथ एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, मतलब यहां से हमें एक रफली मैथमेटिकल फॉर्मेट मिलेगा, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया। अब इसी इक्वेशन के एलएचएस आरएचएस में डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दोनों एलएचएस आरएचएस के डायमेंशनल मिलने के बाद दोनों को हम डायमेंशनली इक्वेट करेंगे। अगर हमने डायमेंशनली इक्वेट किया, तब हमें फाइनली ए बी एंड सी की वैल्यू मिलेगी, और ए बी एंड सी की वैल्यू अगर हमने इस इक्वेशन में रखी, तो हमें फाइनल मैथमेटिकल फॉर्मेट मिलेगा। और प्रैक्टिकली के की वैल्यू 1 होगी, तो एफ इज इक्वल टू mv square by r। ये हमारे सेंट्रिपेटल फोर्स के लिए फॉर्मूला, वेयर
इज इक्वल टू 1। सो इस तरह हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ डिपेंडेंसी होगी तो मैथमेटिकल फॉर्मेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल सेम मेथड से हम देखेंगे। तो अब ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम सिर्फ इस एप्लीकेशन के बेसिस पे और न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो नाउ वी स्टार्ट एग्जांपल नंबर 2। अब सेम एप्लीकेशन के बेस पे सेकंड एग्जांपल। सपोज हमने इसी चैप्टर के अंदर सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट को काफी टाइम हमने उसको डिस्कस किया। उसी सिंपल पेंडुलम का जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, जो हमने उसको ओरली सिर्फ एक्सप्लेन किया था कि हमने सिंपल पेंडुलम को अगर हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना या फिर ग्रेविटेशन एक्सिलरेशन तो डिपेंडेंसी कौन सी आएगी। हमें सिंपल एक थ्रेड के साथ पेंडुलम को फिक्स सपोर्ट के साथ हैंग किया। एक स्टूडेंट उसको यहां से एक पोजीशन से रिलीज करेगा और सेकेंड स्टूडेंट उसका टाइम पीरियड नोट डाउन करेगा। सो वन बाय वन हमने टाइम पीरियड के अलग रीडिंग्स लिए। उसी रीडिंग को अगर हमारी लेंथ फिक्स होगी तो एल की वैल्यू पता होगी, टाइम पीरियड का हमने एवरेज फाइंड आउट किया, तब उस मोमेंट पे हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने काफी टाइम रिपीट भी किया था। तो आज इस एप्लीकेशन का यूज हम इसी एक्सपेरिमेंट में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल टी। अब टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी किसके ऊपर आएगी। हमने एक थ्रेड के साथ पेंडुलम को हैंग किया तो पेंडुलम का मास, पेंडुलम की लेंथ और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये तीन फिजिकल क्वांटिटी, ये तीन फैक्टर्स टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करेंगे। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पेंडुलम, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये तीन फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन, मास को हमने डिनोट किया m, लेंथ को l एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को g। सो अल्टीमेटली हमें t प्रोपोर्शनल टू मास रेज़्ड टू a, लेंथ रेज़्ड टू b एंड g रेज़्ड टू c ये रिलेशन मिला। सो t इज इक्वल टू k m रेज़्ड टू a, l रेज़्ड टू b एंड g रेज़्ड टू c, ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब LHS RHS डायमेंशनली इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS से स्टार्ट करेंगे। तो LHS टाइम पीरियड कैपिटल T, टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन सेकेंड, सो डायमेंशनल फॉर्मूला T1। देन RHS, RHS K M raise to A, L raise to B and G raise to C, K dimensional less constant to value 1, L मतलब mass raise to A, length L raise to B, gravitational acceleration it means L T minus 2 raise to C। अब इसी को प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो m रेस्ट टू a, l रेस्ट टू b, देन l रेस्ट टू c एंड t रेस्ट टू माइनस 2c।
अब ये पावर का एडिशन बेस से, सो फाइनल टर्म होगा हमारा एन रेस टू ए एन रेस टू बी प्लस सी एन टी रेस टू माइनस टू सी, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। नाउ इक्वेटिंग बोथ दी साइड्स विथ देयर डायमेंशंस, अब डायमेंशंस के साथ दोनों टर्म को हम इक्वेट करेंगे, सो एलएचएस के लिए टर्म होगा टी वन विच इज इक्वल टू के, फाइनल टर्म हम यहीं से लिखेंगे एन रेस टू ए एन रेस टू बी प्लस सी टी रेस टू माइनस टू सी। अब इसी टर्म को टी वन मतलब एम जीरो एल जीरो टी वन होगा ये विच इज इक्वल टू के एम रेस टू ए एल रेस टू बी प्लस सी टी रेस टू माइनस टू सी, दोनों साइड बेस से पावर का कंपेरिजन करेंगे तो ए इज इक्वल टू जीरो, कंपेयरिंग डायमेंशन सो ए इज इक्वल टू जीरो देन बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो माइनस टू सी इज इक्वल टू वन, सो यहीं से हमें b इज इक्वल टू माइनस सी मिलेगा और यहीं से हमें c इज इक्वल टू माइनस हाफ मिलेगा, a इज इक्वल टू जीरो मिला सो c की वैल्यू माइनस हाफ विच इज इक्वल टू प्लस हाफ, सो b इज इक्वल टू होगा प्लस हाफ a b एंड c, सो वी गेट फाइनली वैल्यू ऑफ a b एंड Now, substituting values of A, B and C in equation number 1. अब equation 1 में तीनों dimensions की value put करेंगे. So, equation 1 is T is equal to K, M is to A, A means 0, so M raised to 0, then L, L raised to B, B means half, G, G raised to C, C means minus half, so T is equal to K, M raised to 0 means 1, under root, L, G raised to minus half, so divide by G. So T is equal to K under root L by G. ये हमारा final answer. Experimentally K is equal to 2 pi. जब हम experiment perform करेंगे तब हमें K की value मिलेगी 2 pi. So final answer is T is equal to 2 pi under root L by G. ये हमारा final answer. So किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें डिपेंडेंसी किसी और फिजिकल क्वांटिटी के साथ पता होगा तब हम उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, तो यह हमारा सेकंड एग्जांपल।